तो जो ये वीडियो है ना वह DSC 3A और DSC 3B दोनों वालों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को पहले इस वीडियो को देखें। कल आप सभी का एग्ज़ाम है, मुझे पता है, तो इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप सभी को समझना है, ठीक है। देखिए, अगर आप DSC 3A का स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप सभी का तैयारी करवाऊँगा। अब DSC B वाले ये ना सोचें कि आप लोग हमारे सब्जेक्ट का तैयारी क्यों नहीं करवा रहे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे हम उसका तैयारी करवाएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि जहाँ पे दो भी स्टूडेंट्स हैं उसका भी तैयारी करें, लेकिन टाइम बचेगा तभी ना भाई, ठीक है। तो देखिए, जो DSC 3A वाले हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो DSC 3B वाले हैं उनको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस लिंक में ये बताया गया है कि आप लोग टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे। पहले जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करो। अब बहुत लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम में छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम कैसे ज्वाइन किया जाता है वो मैंने वीडियो को लास्ट में बताया, और उन लोग फर्स्ट देखते हैं सोचते हैं तो बताया ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये तो दूसरा कुछ बारे में बोल रहा है, ठीक है, और छोड़ देते हैं वीडियो को, स्किप कर देते हैं, फिर वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया कि टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करते हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसके बाद जो आप लोगों का DSC 3B का जो बुक निकला था ना, विद्या गैस का बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा बुक, मैंने दूसरा बुक परचेज़ किया जिसका आंसर बिल्कुल बहुत ईजी है, जो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो उस बुक को मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए 3B वालों के लिए पूरा बुक को ही मैंने टेलीग्राम में क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। दो पेज छूट गया था, जो कि दो पेज को सबसे लास्ट में किए हैं। जब टेलीग्राम के सबसे ऊपर जाओगे तो सारा पेज आपको मिल जाएगा, और दो पेज नंबर 37 और पेज नंबर 47 उसमें देना भूल गए थे, तो मैंने वीडियो जो टेलीग्राम है ना उसको लास्ट में मैंने दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा बुक अपलोड कर दिया गया है। अब वहाँ से जाकर के आपको क्या करना है देख लेना है, ठीक है। फिर भी अगर वहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करें कि सर ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यकीन मानो अगर थोड़ा बहुत अभी आप मेहनत कर लोगे ना तो वहाँ पे आपको सारा आंसर समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3B वालों समझ जाओगे। तो हम 3B वालों को भी साथ दे रहे हैं, 3A वालों को भी साथ दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम आप लोगों का साथ नहीं है। तो पहले आप लोगों को अपलोड कर दिए, ठीक है, लेकिन 3A वालों का वो बुक नहीं लिए, नहीं तो इन लोगों का भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग का बुक वहाँ पर अपलोड हो जाकर के आप लोग वहाँ पर देखो, फिर दिक्कत होता है तो कॉल, व्हाट्सअप सब कुछ आपके पास, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 3A वालों पर। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को PDF वगैरह दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा, कोर 13 मार्क और 14 में हमने क्वेश्चन दिया था, टच किया था, ऐसा बात नहीं कि टच नहीं किया था, हल्का फुल्का मॉडिफाई भी किया था, बट मैंने जितना उम्मीद किया था जितना टच करने का उतना टच नहीं किया। जितना मेरा सेमेस्टर 1 से 5 तक क्वेश्चन टच किया उतना 6 में नहीं कर रहा है। मेन रीज़न क्या है, देखो ऐसा बात नहीं है कि सेमेस्टर 6 में हार्ड दे रहा है, मेरे बात को समझें, ऐसा बात नहीं कि सेमेस्टर 6 से तो हार्ड दे रहा है, बल्कि ये किया क्या है, इस बार अभी तक जितने 10 साल से 12 साल से चलते आ रहा है एग्ज़ाम, उससे पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या हमारे में ही पैटर्न चेंज करना था, तो बिल्कुल यस, आप लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है, पैटर्न चेंज कर दिया है। जहां एक इंपॉर्टेंट होता था वहां पे दो दो इंपॉर्टेंट कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था, और इसके पहले हर एक क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन में टिकआउट वाला देता था ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, दो दो नंबर का था ये, पहले इधर हो गया। और जो क्वेश्चन 12 साल से पूछते आ रहा है, 10 साल से जो पूछते आ रहा है ना, वो क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो जो लगातार पूछते आ रहा था ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो उसको देना ही चाहिए था, जैसे जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण, ये क्वेश्चन देना ही चाहिए था उसको, कितना साल दिया है लगातार, लेकिन इम्पोर्टेंट था नहीं दिया, मतलब सिलेबस को चेंज कर दिया है। सिलेबस चेंज नहीं किया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। इसके पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता आ रहा था, लेकिन अब उल्टा कर दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन दे रहा है, लगभग वही क्वेश्चन डाला हुआ, आप लोग देख सकते हो, विद्या के से भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे ना, वो ऐसा क्वेश्चन वो दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो, मैंने कोर 13 में देखा कि हो सकता, मैंने सोचा कि हो सकता है कोर 13 में ऐसा दिया है, कोर 14 में भी वही सिचुएशन सेम देखा, तो DSC 3 और DSC 4 में भी आपको वैसा ही देगा, ठीक है। जो हम लोग इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं ना, अब उल्टा पढ़ना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 6 उसको हार्ड ही देता है, इस बात को ध्यान रखें। जितने भी सेमेस्टर 6 होता है, लगभग रूल्स अब से हुआ है कि हार्ड ही देगा, पहले ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल नॉर्मल देता था, जैसे 5 में 6 में 4 में 3 में जैसा इंपॉर्टेंट लगता था क्वेश्चन, जो पिछले साल पूछा गया था 2-3 बार, उसको हम लोग देख लेते थे कि वैसा ही क्वेश्चन फिर पूछेगा, लेकिन इस बार पूरा पैटर्न ही चेंज कर रहा है, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वैसा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, ठीक है।
जिस पैटर्न हालत में पूछ रहा है वही हालत को अगर आगे भी फॉलो करता है, जैसे 13-14 के साथ फॉलो किया वैसा ही अगर DSA 3 और 4 के साथ फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर हमारे क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है ना। हम बहुत ऐसा बात नहीं कि हम तुरंत वीडियो बना रहे हैं, हम इसके पहले बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, इधर उधर वो सिलेबस ये सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों ऐसा पूछ रहा है, कहीं सिलेबस आउटसाइड का तो नहीं है, सब कुछ रिसर्च करने के बाद मैं आपके तक पहुँचता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन दिया सो देखो 6 को, लेकिन आपको करना क्या सो देखो पहले। और हाँ, इसके पहले क्या होता था कि 2 या 3 क्वेश्चन दे देते तो वही क्वेश्चन आ जाता था, तो क्या हो जाता था मतलब आप लोगों का एग्जाम अच्छा निकल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, 6 का 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे मैं लिख के ना करवाऊँ, भले ही मैं बोल दूँ या तो सिर्फ पॉइंट लिख दूँ, बट मैं 6 करवाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि जब स्टूडेंट्स का कॉमेंट आता है कि क्वेश्चन सर नहीं आता है, ज़्यादा 1 या 2 मिलते हैं, और मैं भी देखता हूँ तो सही में वही हालत होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं चाहे बोल करके ही क्यों ना, बट मैं 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का मैंने निर्णय लिया है, ठीक है। और कल आपका एग्जाम है तो मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि मैं कल तक 10 बजे से पहले यानी सुबह तक मान लो कैसे मैं आप सभी को कंप्लीट करवाऊँ। हालाँकि मेरा तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं आपका कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो कैसे करवाना है, भारतीय विदेश नीति का अध्ययन प्रमुख दृष्टिकोण का वर्णन कर, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दूसरा, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। भारतीय की विदेश नीति का सिद्धांत का वर्णन करें और भारतीय विदेश नीति का उद्देश्यों का वर्णन करें। सिद्धांत और उद्देश्य लगभग सेम है बट मैं थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य, ये तो मैंने देख लिया। पाँचवा, छठा में सबसे ज़्यादा उलझाना है, देखो भारत का दूसरे देश के साथ संबंध देगा आपको, और 2 क्वेश्चन टाइप्स दे सकता है ऐसा, भारत का अमेरिका के साथ संबंध, भारत के रूस के साथ संबंध, भारत का श्रीलंका के साथ संबंध, भारत के चीन के साथ संबंध, भारत के नेपाल के साथ संबंध, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, यानी जो ये टोटल संबंध दिख रहा है ना, एक भारत का दूसरे देश के साथ संबंध, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देगा। अब 2 कौन कौन देगा, एक देगा जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं सो, और एक देगा जो हमारे देश से दूर बसे हुए हैं, जैसे अमेरिका और जो रूस है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख पा रहे हैं, जो भारत से अमेरिका और भारत से रूस, ये दोनों हमारा भारत से पड़ोसी देश नहीं है, ये दूर बसे हुए देश हैं। तो अमेरिका या तो रूस के बारे में संबंध देगा जो दूर बसे हुए, वो या तो फिर जो पड़ोसी देश है उसके बारे में एक देगा, जैसे श्रीलंका, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, हमारे सब पड़ोसी देश हैं, तो ये क्वेश्चन पड़ोसी देश से देगा और ये क्वेश्चन हमारे देगा जो आउट ऑफ पड़ोसी है, जो हमारे पड़ोसी देश के नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि क्या अमेरिका से ही देगा जो हमारे देश के दूर बसे हुए हैं, अमेरिका रूस, अमेरिका से देगा या रूस से देगा, या तो फिर पड़ोसी देश श्रीलंका से देगा या चीन से देगा या नेपाल से देगा या पाकिस्तान से देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो पैटर्न वो 13 और 14 में दिया है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि अमेरिका के बारे में नहीं देगा, रूस के बारे में बहुत दिनों से नहीं दिया तो हो सकता है रूस के बारे में दे दे, और चीन के बारे में और पाकिस्तान के बारे में लगभग लगभग दिया है तो हो सकता है इस बार श्रीलंका और नेपाल के बारे में दे दे, ठीक है। तो ऐसा दे सकता है, तो हम क्या कराएंगे, आपको पहला से लेकर के चौथा तक तो इधर कंप्लीट करा देंगे, और पाँचवा और छठा को हम इस टाइप से कंप्लीट करवाएंगे ना कि कोई भी देश दे दिया ना आपको तो आप लिख पाओगे, ठीक है। मैं इस प्रकार से आप पैटर्न को यहाँ पे मैं अपना नोटबुक में लिख रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से मैं हर एक चीज़ों को अच्छे से तैयारी करवा के भेजूँ, ठीक है। तो जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अपना खुद भी इधर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहना, जैसे जैसे वीडियो डालते जाऊँगा आपको देखते जाना है, और बस मैं जितना बताते हुए चल रहा हूँ उतना उस रास्ते को आप लोग फॉलो भी करते चलो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपको परेशानी रह गया, कोई तकलीफ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जैसे आप मर्जी आप अपना समस्या को सॉल्व कर सकते हो हमसे मिल करके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।